चलिए सो राइट डाउन द हेडिंग इन योर कॉपी चिल्ड्रन इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है इकोनॉमी क्या होती है और सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है तो so, इकोनॉमिक्स तो क्या होती है ये मैं आपको चार तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूं ओल्डेस्ट डेफिनेशन वॉज गिवन बाय एडम स्मिथ समझ में आ गया उसकी डेफिनेशन क्या थी वेल्थ की Thereafter उसको क्रिटिसाइज किसने किया था मार्शल चाचू ने एंड ही उसकी भी डेफिनेशन को लियोनल ने क्रिटिसाइज किया saying कि भाई अगर scarcity है किसी चीज की तो वो भी सो कॉल्ड इफेक्टिव यूटिलाईजेशन ऑफ वेल्थ कर सकती है और आखिरी डेफिनेशन जो आज तक क्रिटिसाइज हुई ही नहीं कभी दैटन किस चीज की थी वो ग्रोथ ओरियंटेड की वॉट इज क्लियर इकोनॉमी के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं

तो आप अगर नॉर्मली इंसानों की तरह चला रहे हैं तो उसमें कोई ऑरेंज लाइट जलती है ग्रीन जलती है अच्छा और एकदम जानवरों की तरह जैसे किसी और 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 की भगा रहे हैं तो और, और तेज तो ऑरेंज तेज भगाएंगे रेड फिर गेम ओवर इज दैट क्लियर दिव्य आत्मा से मिलन हो जाएगा तो इन दैट केस उस स्पीड को भी इकोनॉमी क्यों बोलते हैं रीजन इज कि अगर आप उस स्पीड पर ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी का माइलेज भी अच्छा होगा वेयर एंड टेयर भी कम होगा टूट फूट भी कम होगी और लड़ने भिड़ने से भी बचे रहेंगे समझ में आ गई बात चलिए और सर ये सेंट्रल क्या होता है एक साथ बता दूंगा तो आप लेफ्ट राइट घूम के देखेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ तीन चीजें यहां पे नजर आ रही होंगी बच्चों प्रोडक्शन एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते ले ले हैं और एग्जाम्पल विल गो लाइक दिल्ड्रन मैन गोज टू दुड्स ये क्या होता है सर जंगल वुड्स किसको बोलते हैं लकड़ियों के अंदर चला गया सर अरे लकड़ियों के अंदर नहीं चला गया वुड्स का मतलब फॉरेस्ट जंगल बेसिकली एंड कट डाउन ट्रीज विच ही सोल्ड टू द सो मिल सो मिल मतलब जो मिल इसने देख ली या जो मिल सौ मील दूर थी सौ मील क्या होती है जहां पे लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे ले जाके कटवाते मूवी में देखोगे ना विलेन हीरो को लेके आता है उसके ऊपर फिर उस गर्दन कटने वाली होती है फिर पीछे सौ मिल को बेच दिया फोर रुपीज टेन थाउजेंड खोपड़े में बात गई खोपड़े में बात गई दौ मिल ओनर Sold it to the carpenter for rupees fifteen thousand, who ultimately made furniture out of it and sold to us. रुपीज ट्वेंटी टू थाउजेंड किसको किसको ये स्टोरी समझ में ही नहीं आई आई होप सो सबको समझ में आ गई होगी तो सर इसमें प्रोडक्शन कहां कहां पे हो रहा है बहुत जगह हो रहा है बच्चों प्रोडक्शन हम प्रोडक्शन को मार्क करेंगे विद ग्रीन कलर चल है। किस कलर से मार्क करेंगे ग्रीन कलर तो सबसे पहले इसने ट्रीज को क्या किया चलन कट डाउन किया एंड ही सोल्ड टू होम तो जैसे इसने ट्रीज को कट डाउन कर दिया इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन सौ मिल वाले ने फिर से इसे बेच दिया किसको बेचा चल कारपेंटर कार्पेंटर को तो इसने जब कार्पेंटर को इसको बेचा चल कॉल्ड एज प्रोडक्शन और अल्टीमेटली कार्पेंटर ने क्या बनाया उससे फर्नीचर देर आफ्टर चिल्ड्रेन येलो से मार्क करेंगे वॉट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज थोड़ा डार्क येलो हो गया लाइट येलो पे आ जाए तो अल्टीमेटली so हमारे इंसान ने किसको लकड़ी बेची थी सो मिल को तो इट इज कॉल्ड एज वॉट चिल्ड्रन एक्सचेंज बेसिकली सो मिल वाले ने इसे किसको बेचा था चिल्ड्रन ये भी एक तरह का एक्सचेंज और सो so कॉल्ड कारपेंटर ने उससे क्या बनाया चिल्ड्रन फर्नीचर और फर्नीचर किसको बेच दिया उसने हमको बेच दिया इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर और अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये डिस्ट्रीब्यूशन जैसी चीज क्या है भाई बड़ा ही सिंपल है आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा व्हाट इज कॉल्ड एज ट्री की बनने से बिगड़ने तक चिल्ड्रेन काफी बार पैसे का लेन देन भी हुआ है अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सबसे पहले कितने रुपए का आउटपुट जनरेट हुआ जो ट्री काटने वाले ने कारपेंटर को सॉरी सौ मिल वाले को ट्री बेचा दस इस सौ मिल वाले ने दस हजार का खरीद के आगे कारपेंटर को कितने कितने में चिपकाया? 15. और कारपेंटर ने हमें फर्नीचर का बेचा टेक ऑफ मनी देर इज मनी अब दिमाग की बत्ती मेंटोस खाए बगैर और जवाब दे मेरे को जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं बच्चों तो इनकम के हमने चार फॉर्मेट्स पढ़े थे वन कॉल्ड रेंट लैंड की के लिए आफ्टर इट वेजेस थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दू तो आपको बहुत अच्छा लगेगा चलिए अगर आप लेबर को एंगेज करते हैं तो आपको क्या पे करना पड़ेगा वेजेस अगर आपने किसी के रिसोर्स यूज किए बच्चों तो क्या पे करना पड़ेगा रेंट अगर आपने सो so कॉल्ड किसी से मनी बोरो किया तो आप क्या पे करेंगे इंटरेस्ट

कुछ पैसा उसने किराया दिया क्योंकि वो जंगल में लकड़ी काटने के उस जगह का किराया देना पड़ेगा कि आप तभी लकड़ी काट सकते हो जब आप इस लैंड को सो कॉल्ड हायर करो हमसे उसने अगर किसी से अपनी कुलाड़ी खरीदने के लिए उधार लिया है तो वो उसको क्या पे करेगा इंटरेस्ट और अल्टीमेटली वो जो लकड़हारा होगा क्या वो फ्री में आपको लकड़ी बेच देगा okay. वो कुछ कमाएगा तो उसने एक लेबर रखा था जिसको उसने पेमेंट कितना किया बच्चों दो रेंट सरकार को कितना दे दिया एक और जिससे कुलाड़ी खरीदने के लिए पैसे लिए थे उसको इंटरेस्ट कितना दे दिया चार हजार और अल्टीमेटली तीन हजार रुपए क्या रख लिया अपने पास प्रॉफिट यहां तक की कहानी मेरी जुबानी किसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ जानी समझ में आ गया नेक्स्ट अब इसने कारपेंटर को दस हजार रुपए में सो कॉल्ड क्या बेचा था लकड़ी का सॉरी सौ मिल वालों को लकड़ी का टुकड़ा बेचा था अब लकड़ी मिल वाले ने कारपेंटर को यह कितने में बेचा पंद्रह हजार तो जो सौ मिल वाले थे क्या उन्होंने अपनी फैक्ट्री आसमान में लगाई है नो जमीन पर लगी होगी उन्होंने क्या पे किया होगा जमीन का रेंट, रेंट. सर मान लीजिए अपनी ओन लैंड है तो ठीक है रेंट नहीं पे करेंगे आपको प्रॉपर्टी पे टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को वाटर टैक्स देना पड़ेगा वो सब तो देना ही पड़ेगा उसको भी यहां पे हम क्या बोलते हैं रेंट एग्जैक्टली exactly, उसको इम्प्यूटेड रेंट बोला जाता है वॉट इम्प्यूटेड वॉट इट क्लियर और उसने भी मेरे को लेबर की नौकरी दे दी वहां पे देर आफ्टर उसने भी काफी पैसे किसी से उधार लिए थे और क्या बच्चों वो भी गुरुद्वारे में लंगर करेगा नो no. okay. तो अब दस हजार रुपए की खरीदी हुई सौ मिल वालों ने लकड़ी कितने में बेची पंद्रह हजार तो कितना वैल्यू एडिशन किया फाइव थाउजेंड टू थाउजेंड उन्होंने वेजेस पे किया वन थाउजेंड रेंट पे किया वन थाउजेंड इंटरेस्ट पे किया और वन थाउजेंड रुपीज प्रॉफिट खोपड़े में बात गई

टू थाउजेंड चलिए जो आप बोले वही मैं भी मान लेता हूँ रेंट मान लीजिए एक हजार रुपए दो हजार लेटर से इंटरेस्ट और दो हजार रुपए लेटर से प्रॉफिट तो ये जो पैसे अल्टीमेटली सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुए चल रहे हैं दिस इज एक्चुअली नोन एज वॉट इज टाइटल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी गलत है हो गया। लगी नहीं है कि दे रहे हैं कि ले रहे हैं चलिए खोपड़े में बात गई सो आई एम टीचिंग यू मैंने आपको शीट दी मैंने आपको दिव्य ज्ञान दिया एंड इन लू ऑफ दैट आई एम टेकिंग सम देशन फ्रॉम यू दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज बेसिकली सर पे प्रोडक्शन क्या है द कॉन्टेंट विच आई एम टीचिंग यू द शीट दैट यू आर गेटिंग इट इज नोन एज प्रोडक्शन वेन आई एम मेकिंग इट फॉर यू आई रिपीट वेन आई एम मेकिंग इट फॉर यू वेन इट इज डिलीवर्ड टू यू एंड इन रिटर्न यू पे मी समथिंग दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सचेंज समझ में आ गया आपकी कुछ ऐसी हरकतें थी जिन्होंने मम्मी को गुस्सा दिलवाया तो आपकी हरकतें भी प्रोडक्शन और मम्मी को गुस्सा आना भी प्रोडक्शन बेलन मारा के मम्मी ने इट इज एक्सचेंज समझ में आ गया समझ में आ गया सर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अब बचेंगे इसके बाद बेलन खाने की बात तो सोचेंगे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है जो आप अपनी हैसियत में आ जाएंगे आप हरकतें अपनी ठीक कर लेंगे समझ में आ गया तो झटपट इसको लिख लें बच्चों ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं किताब में इतना आसान डिस्क्रिप्शन कहीं मिलेगा नहीं और ये सब चीजें आपको काफी काम आएंगी जब आपके स्कूल वगैरह में प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट होंगे तो डेफिनेशन को थ्री में कैसे एक्सप्लेन करना है टू द लेमन पर्सन इट कैन बी डन थ्रू दिस वॉट इट डू इट फर्स्ट तो बच्चों ये दूसरी डेफिनेशन है सम टोटल ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज डायरेक्टेड टूवर्ड दशन ऑफ अनलिमिटेड वर्ड यूजिंग स्कैस रिसोर्स दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस का है बगैर और ये दो शब्द आपने आज से पहले बहुत बार पढ़े हैं बच्चों अगर मैं आपसे पूछू कि गंगा जी में डुबकी लगाने में कितने पैसे आपके पापा के बैंक अकाउंट से कट जाएंगे तो आप क्या जवाब देंगे सर रांची चलिए आप रांची सर बैगी बैगी बातें कर रहे हैं लगता है वो धूप लग गई आज जीरो तो क्यों ये सौ मिल को दस हजार रुपए में लकड़ी खरीदनी पड़ गई इस पर्सन से क्यों पंद्रह हजार रुपए में कारपेंटर ने सामान खरीदा And why we were supposed to pay लकड़ी तो कोई भी जंगल में जाके काट सकता है भाई पड़ गया kind of production. Cut करना एक production का काम है तो भगवत गीता में लिखा है सर कुरान में लिखा है बाइबल में लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि अगर इसका पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ तो इकोनॉमिक्स बुरा मान जाएगी इकोनॉमिक्स बुरा मान जाएगी तो आत्महत्या कर लेगी फिर इकोनॉमिक्स चुड़ैल है वो आपके घर में आपको के परेशान करेगी ऐसा लिखा है आंसर बिल्कुल नहीं ये इंसान चाहे तो मतदे सामान हाँ वैल्यू होती है वैल्यू किस चीज की होती है तीन चीजें आपको बताई थी यूटिलिटी होनी चाहिए होनी चाहिए और ट्रांसफरबिलिटी क्योंकि लॉग ऑफ वो ट्रांसफरेबल है इसलिए भाई पैसे देने पड़ रहे हैं आपको अगर इसकी यूटिलिटी सौ मिल वाले को ना होती ये किसी परचून की दुकान पे जाता लकड़ी खरीदोगे निकल जाए तो ये लट्ठा मार खींच के दो लकड़ी खरीदोगे ना लकड़ी खरीदेंगे ना लड़का खरीदेंगे लड़की खरीदेंगे पापा भी खरीदेंगे बिकॉज इट हैज यूटिलिटी इट इट इज इज एंड सो कॉल्ड है अगर बिना जमीन का जंगल का किराया दिए वुड काटने की परमिशन मिल जाए तो हम लोग बिहारी लेके पहुंच जाएंगे कि नहीं नहीं समझ आया आपको समुद्र से नमक निकालना है या आपको नदी से बालू निकालनी है तो आपको इसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है सरकारी ठेका टेंडर होता है इसका इज दैट क्लियर अगर गवर्नमेंट का नहीं जिसका मन चाहे बालू ले आओ अब लोग कहेंगे हाय आप निकालेंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे नहीं तो सरकार आगे बॉक्सिंग करेगी आपके साथ नींद खुल जाएगी कभी नींद आएगी नहीं आपको समझ में आ गई बात समझ में आ गई बात चलिए तो क्यों पंद्रह हजार रुपए में कारपेंटर ने फर्नीचर वाले को सामान मतलब सौ मिल वाले ने कारपेंटर को क्यों पंद्रह हजार में सामान बेचा Because the wood was scarce. But इसको खरीदने वाले जो लोग हैं, सिमिलरली कारपेंटर ने बाईस हजार में फर्नीचर बना के हमको क्यों बेचा बिकॉज फर्नीचर खरीदने वाले लोग ढेर सारे हैं नहीं समझ में आ गई एंड इट इज अस्कैस रिसोर्स खोपड़े में बात गई पक्का तो जब भी आप स्कैस रिसोर्स को ऐसे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो उसके लिए प्राइस पे कर पाए दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड एज वॉट चिल्ड्रेन इकोनॉमिक्स समझ में आ गया एंड इट इज एवरी वेर बेसिकली तो भंडारे में कोई भी जा सकता है कोई भी खाना खा सकता है लंगर में कोई भी बैठ सकता है कोई भी खाना खा सकता है क्या वहां पे आपको पैसे देने पड़ते हैं बच्चों नो no. तो भंडारे का खाना इज अ नॉट एन अनलिमिटेड वॉन्ट एंड इट इज नॉट अ एक्टिविटीज में कंजम्पशन प्रोडक्शन एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है चल ये मैंने बेसिक टर्म्स में आपको शायद पढ़ाया था आप समझ में क्यों बेसिक टर्म्स पढ़ाए गए थे और पहला चैप्टर अगर आप किताब में खोल के देखेंगे तो इधर उधर चैप्टर आपको वहां मिल जाएगा

लंच ब्रेक खत्म होते होते पचीसो का बर्गर बिक गया तो स्मार्ट बोर्ड लगवा दिया एक दो बच्चे घर जाके मम्मी बोले अब लगता है टीचर लोग भी पब्जी खेलेंगे yes. तो मम्मी इनका ऐसा कैसे पता वो हम लोग स्टूडेंट हैं छोटे दिमाग वाले मोबाइल खेलते हैं पचहत्तर इंच की स्क्रीन लगी है स्कूल में तो या हो सकता है क्रिकेट चलेगा आईपीएल चलेगा बच्चे कह भी रहे हैं टीचर सर आईपीएल का मैच अलग आई है भाव चल रहा है लखनऊ नाइट राइडर्स पे दो अठारह दिन तो ये सब हरकतें भी आजकल बच्चे दल इधर करने लग गए हैं इज दैट क्लियर तो ये जो स्कूल ने पैसे लगाए क्लासरूम पे फ्लोर बनवाने पे वाटर कूलर लगवा दिया कुछ बच्चे घर से साबुन लेके चले आए हैं स्कूल जाके नहा लेंगे दिस इज ऑल नोन एज वॉट चिल्ड्रन इन इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया तो ये पूरा सर्कल चलता रहता है तो अगर गवर्नमेंट को पता है कि भाई लोग ट्रैवल करने में बड़ा इंटरेस्टेड है तो हाईवे पे ट्रैफिक ना बढ़ जाए तो गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करती है और फोर लेन सिक्स लेन केवर्नमेंट हाईवे मॉडर्नाइजेशन करेगी कार कंपनीज बढ़िया गाड़ियां बनाएंगे जो हाई स्पीड चलेंगी इट इज नॉट प्रोडक्शन कार कंपनी गाड़ी बेच के कस्टमर से पैसा लेगी एक्सचेंज आप टोल पे, पे पेमेंट करेंगे और हाईवे पे गाड़ी चलाएंगे इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सचेंज बेसिकली समझ में गया नहीं प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट डिफरेंस क्या होगा आई बॉट अ लैपटॉप आई है ऑनलाइन सेटअप फॉर टेकिंग क्लास, तो दिस ऑल मनी दैट आई स्टार्ट आई क्रिएट द रिसोर्स इट इज प्रोडक्शन मान लीजिए शाहरुख खान जी का एक प्रोडक्शन हाउस है मूवी में प्रोड्यूसर का मतलब जानते हैं ना क्या होता है हाँ सर जिसका नाम लिख के आता है डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस बाय अरे दलेंद्रो मतलब क्या होता है ये पूछ रहा हूँ जो पैसा लगाता है तो शाहरुख खान मेरे पास आए काफी मैं टरकाता रहा उनका फोन नंबर भी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था बट बदल बदल के नंबर उसको कॉल कर रहे थे जुगाड़ लगाने लगे वो आपके यहाँ बॉक्सर भाई आते हैं उन्होंने भेजा है अब मैं कैसे मना करता बॉक्सर भाई के सामने तो भाई ना निकले किसी की मैंने कहा हाँ बोलो पांच मिनट का टाइम है बस तो कह रहे सर वो मूवी बनाना चाहते हैं मैंने क्या नाम है मूवी का कौन बनेगा खड़ूस और आपको सर उसमें हीरो रखना चाहते हैं लीड रोल में मैंने कहा बॉक्सर भाई है कह रहे हैं हाँ वो सर विलेन है मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं तो इन दैट केस अब वो मूवी बनाना चाहते हैं उन्होंने अपना एक स्टूडियो खोला अपना कैमरा सेटअप लिया अपना उन्होंने एप्पल का मैकेंटॉश सिस्टम लिया मिक्सिंग के लिए एंड ऑल दैट अपनी उन्होंने वैनिटी वेंस बनाई हैं तो दिस इज ऑल मनी दैट ही हैज पुट इनटू इज नोन एज व्हाट इन्वेस्टमेंट अब जब उन्होंने स्टार्ट किया इस्तेमाल करना इन चीजों को तब क्या बन गया production. तब प्रोडक्शन होने लग गया है। मूवी सो कॉल्ड पीवीआर लाइसेंस दे दिया गया डाउनलोड करने का आजकल तो मूवी डाउनलोड होती है पहले बड़ी बड़ी रील करती थी प्रोजेक्टर पे उसको लगाते थे। नहीं होता है तो दिस एक्षेंग। एक्षेंग। मैंने में की, मेरे को सौ करोड़ एक्सचेंज फिर मैंने सौ करोड़ में सरकार को तीस करोड़ टैक्स दिया सत्तर करोड़ जो बचा मैंने उसमें एक बड़ा सा होटल खोल लिया बैंक हॉल खोल दिया रेस्टोरेंट खोल दिया तो दिस इज माई इन्वेस्टमेंट एंड व्हेन आई सर्व फूड व्हेन आई इनवाइट गेस्ट व्हेन आई एंटरटेन पीपल दे यूज माई सर्विस की फैक्ट्री में लगाई इट इज इन्वेस्टमेंट और मशीन से जो सामान बनना स्टार्ट हुआ इट इज प्रोडक्शन समझना क्या मान लीजिए कि मैंने एक नई मशीन लगाई मेहंदी लगाने की वो करवा चौथ वगैरह जानते हैं ना एनअल टॉपअप फॉर हस्बैंड्स तो खत्म करने के लिए एक मशीन बनाते हैं सर वो मेहंदी लगाएगी कैसे सबसे पहले मारते हैं जहां आपको थप्पड़ बोलूंगा तो उतना डर नहीं लगता कंटाप थोड़ा ज्यादा सोकॉल अपनापन लगता है इसके अंदर इस शब्द में वॉट इट क्लियर अब मम्मी बोले दो झापड़ मारेंगे ठीक हो जाओगे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा दो थप्पड़ मारेंगे ठीक हो जाओगे थोड़ा कम तीन घंटा आप लगाए सही जाओगे तो इसमें डर ज्यादा है डर है इसके अंदर बेसिकली जो इंटेंसिटी है हरकत की वो ज्यादा है नाइनटी प्लस है बेसिकली तो ये समझ में आ गई बात तो अब वो मशीन से स्कैन हो गया फिर आप डिजाइन वहां पे होंगे और प्राइसेस होंगे डिजाइन एंड प्राइसेस समझ में आ गया तो आपने चुन लिया भाई ये सो कॉल्ड चालीस रुपए में अरेबियन टाइप मेहंदी लगनी है और वो जो नीचे बैठा उधर इधर सौ मांग रहा है तो मेरी मशीनें इतनी हिट हो जाएंगी हर ब्यूटी पार्लर वाले हर सलून वाले जैसे हस्बैंड लोग भी आजकल कुछ रखने लग गए व्रत जो बागबान मूवी देख ली है वो कह कहने हम भी मेहंदी लगवाएंगे समझ समझना गया माथे में मेहंदी लगने लग गई है रेट सस्ता है तो जो आंटी और भाभी जी और चाची जी टाइप लोग पांच सौ मेहंदी लगाते थे मेरी मशीन पचास में मेहंदी लगाएगी इज दैट क्लियर और काम भी बहुत फास्ट होगा इज दैट क्लियर आई इलेवन प्रोसेसर लगवागा मशीन के अंदर सो दिस मशीन ऑफ माइंड जो मैंने लगाई इट इज इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया और जब मशीन के अंदर रॉ मेटल भरेंगे मेहंदी लगानी स्टार्ट हो जाएगी इट इज प्रोडक्शन बढ़िया आइडिया था ना स्टार्टअप का कुछ लोग चालू करेंगे इस बिजनेस को चलिए मैं बहुत आइडियाज आपको देता रहूंगा 90 परसेंट बकवास होगी दस परसेंट काम क्यों होंगे चले आगे बच्चों चले आगे बना लीजिए डायग्राम फास्ट सो अंडरस्टूड ऑल दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज चिल्ड्रन रेफर्स

कि आपने क्या कभी किसी के मुंह से ऐसा सुना है मेरे पास बहुत पैसा है बिल्कुल नहीं बट ये जरूर सुना होगा मेरे पास दुख बहुत ज्यादा है खुशियां बहुत कम है पहले थी भी खुशियां सर की क्लास ज्वाइन कर ली है सब की सब मल्टीप्लाई हो गई डी से और वो दुख बन गई इज दैट क्लियर खुशी इन टू डी इज दुख बेसिकली अब इफ आई टॉक अबाउट अ पर्सन अ स्टूडेंट उसकी जेब में सौ रुपए हैं कितने रुपए हैं सौ अब ये सौ रुपए में बर्गर भी खाना चाहता है अब कहां से खाएगा अ डिफरेंट स्टोरी बट खा सकता है कि नहीं सर वेरी गुड और ये पिज्जा स्लाइस भी खाना चाहता है खा सकता है नहीं? और ये बाबा और ये बटर भी खाना चाहता है सर भूखा टाइप कितना पेट खराब हो जाएगा इसका चलिए उसके बाद ये डाइजीन की गोली भी लेना चाहता है खा सकता नहीं खा सकता अगर मैं आपसे पूछूं क्या हंड्रेड रुपी में ये इन सारी चीजों को ले सकता है no, क्यों नहीं ले सकता अभी तो कहते हैं हाँ, ले सकता है, ले सकता बड़ा चौधरी बन रहे थे लोग आंसर no, 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 no. ले सकता है सब चीजों को कोई एक चीज ले सकता है चलिए yes. या कुछ बच्चे बोलेंगे कोई दो चीजें ले सकता है बट डेफिनेट है कि सबको नहीं ले सकता क्यों नहीं ले सकता सबको द आंसर इज वेरी 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 इजी इसके पास जो सो कॉल्ड रिसोर्स है दैट इज स्कैस आई रिपीट चिल्ड्रेन दट रिसोर्स इज स्केट इन भाई साहब की जो वॉन्ट्स है दे आर अनलिमिटेड तो क्या करें हम इनमें से किसी एक चीज को ले सकते हैं चिल्ड्रेन तो कौन ऐसे बच्चे होंगे क्लास के अंदर जो सौ रुपए में डाइजीन की डाइजेस्टिव टैबलेट खरीदेंगे बस खा है कुछ खाए हैं नहीं माइनस बैलेंस चला जाएगा आंते को लग जाएंगी भूख और लग जाएगी क्या आप डाइजीन की गोली लेंगे नोट no. कुछ हो सकता है लेले सौ रुपए में बटर सौ रुपए में बटर खा लेते हैं बढ़िया पेट खराब होगा दिन भर वॉशरूम बैठ रहेंगे होमवर्क भी नहीं करना पड़ेगा सर से कह देंगे आज खराब है इस क्लास में नहीं आएंगे क्या सौ रुपए में बटर खरीद लेंगे नो कुछ लोग कहेंगे चलो कोल्ड ड्रिंक खरीद लेते हैं समझना क्या सोडा ज्यादा हो जाए गैस ज्यादा हो सकता है उड़ जाए ऊपर <laughs> कुछ लोग कहेंगे चलो सो कौड़ लोग कुपोषित कुपोषित बोलते हैं बर्गर खा के बर्गर की कि फैल जाए और कुछ कहेंगे नहीं हम सौ रुपए में रोमिनस का एक सौ नौ रुपए वाला पिज्जा लेंगे सर नौ रुपए कहां से आएगा उधार कर लेंगे या चप्पल बेच के दे देंगे इज दैट क्लियर तो हंड्रेड रुपी आपकी जो वांट है वो क्या है बच्चों अनलिमिटेड तो आपको अपनी स्कैस रिसोर्स से अपनी वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए हरी चाचा से मिलना पड़ेगा अब ये कौन है सर ये है हरी चाचा और हरी चाचा आपको बताएंगे कि कैसे अपनी अनलिमिटेड वॉन्ट को पूरा करने के लिए स्केश रिसोर्स को यूज करना है यू विल बी डूइंग ना करें कुछ समझ में ना आए तो ये चॉइस से आपकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आपके पास टाइम कम है और पढ़ाई बहुत ज्यादा है जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की है एंड में क्या कह रहे हैं घर वालों से तीन सौ बीस दिन कुछ ना कर पाए चालीस में क्या करेंगे देखा जाएगा इंडिया गॉट टैलेंट अगल बगल वाला भी तो पढ़ के आएगा समझ में आया कि नहीं आया तो कुछ लोग इसी तरह से दसवीं में थे डोंट वरी में ऐसा होने नहीं दूंगा समझ में आ गई बात चल आगे तो इज दैट अंडरस्टूड गवर्नमेंट के सामने भी प्रॉब्लम है कि भाई हमारे पास जो मिलिट्री पे आर्म्स एंड नॉमिनेशन पे खर्च करने के लिए पैसा है दैट इज वेरी 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 स्केश बट जो वॉन्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा है कि भाई हर जगह से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारी हो जाए खोपड़े में सबको समझ में गया बच्चों और जो आपके वॉन्ट हैं वो बहुत ज्यादा है अगर बच्चों इसको उलट दें भगवान का दिया मेरे पास जरूरत से ज्यादा है हम जा रहे हैं सब सर को त्याग करने रिसोर्सेज को आप लिमिटेड कर लें औकात में आ जाए अपनी हैसियत में आ जाए और आपके पास मतलब सॉरी वॉन्ट्स को लिमिटेड कर लें और रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाएं क्या कोई समस्या रहेगी बिल्कुल नहीं रहेगी बिल्कुल भी नहीं रहेगी क्या ऐसा ट्रू है चिल्ड्रन नो no. तो भी एक तरह की समस्या आ जाएगी क्या समस्या आ जाएगी डेली मैं आपको पचास लाख रुपए सुबह छह बजे दे दूंगा डेली जितना खर्च कर पाओ ठीक अगले दिन फिर पचास लाख मिल जाएगा आपने कहे तो बढ़िया है और आप चले गए पीवीआर सिनेमास वहां हर जगह ताला लगा था क्यों लगा था उनको पचास लाख मिल जाएगा तो रिसोर्स ना कैश होनी चाहिए बहुत ज्यादा और ना बहुत अनलिमिटेड या अबंडेंट होनी चाहिए इट शुड बी बैलेंस पानी ज्यादा भर लोगे बॉटल में तो गिर जाएगा कम भरोगे तो पीने लायक नहीं रहेगा इज क्लियर तो इट शुड बी बैलेंस्ड बेसिकली समझ में आ गया चलिए सो देर आर थ्री रीजन जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है चिल्ड्रेन पहला हमारी जो जीव है वो दिन भर लिबिल लिबिल करती रहती लिबिल बाती रहती है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट उसको सेटिस्फाई करने के जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और इन रिसोर्सेज के डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव यूजर्स होते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। मिल्क नाम तो सुना ही होगा बच्चों लेट अस से द प्राइस ऑफ मिल्क इज हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपी पर लीटर हाउ मच पर लीटर अब ये बहुत महंगा है साठ सत्तर रुपए तक तो समझ में आता है बट डेढ़ सौ रुपए सही में बहुत महंगा है तो अगर मिल्क का प्राइस वन फिफ्टी रुपी है तो हम प्राइमरली इसको किसके लिए यूज करेंगे बच्चों के लिए या सो कॉल थोड़ा सा हम इसको यूज कर सकते हैं टीनेजर्स के लिए या हम बॉक्सर भाई जैसे लोगों के लिए यूज कर सकते हैं बट अगर मिल्क का प्राइस साठ रुपए वापस आ जाएगा तो इसके यूजेस और बढ़ा दिए जाएंगे बच्चों या घट जाएंगे बढ़ा दिए जाएंगे पीने के लिए तो इस्तेमाल कर ही रहे थे आइसक्रीम भी बनाएंगे रबड़ी बनाएंगे मिठाई भी बनाएंगे सर के घर भी गिफ्ट कराएंगे मिठाई इज दैट क्लियर आफ्टर सर रुद्राभिषेक भी दूध से करा लेंगे नहीं सुन रहा सर नहाएंगे भी दूध से पानी से नहीं नहाएंगे हम तो जब ये सस्ता होगा तब इसे ढेर सारी जगह यूज करेंगे बट जब ये महंगा होगा तो हम इसको कुछ जगहों पे ही यूज करेंगे खोपड़े में बात गई अनदर एग्जाम्पल रोड पे अगर आप कभी व्हीकल चलाते हो तो आपने बच्चों स्ट्रीट लाइट्स देखी होंगी ये सो नो नहीं देखी देखिए ना तो अल्टीमेटली ये जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं ये किस टेक्नोलॉजी पे आजकल काम करती है चिल्ड्रेन एलईडी पे एंड किसी जमाने में शायद आपको पता होगा हेलोजन बल्ब लगा करते थे शादी वगैरह में भी लगा करते थे ना वो एक लोहे का कंपार्टमेंट टाइप छोटा सा बॉक्स टाइप होता था आगे उसका मुंह खुल जाता था और एक पतली सी टंगस्टन वायर की ट्यूब होती थी छू लीजिए तो मजा आ जाए <laughs> रोस्टेड चिकन या रोस्टेड फिंगर हो जाएगी आपकी समझना क्या डरिए मत कुछ लोग भूत प्रेत की तरह हज रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है अपने बॉक्सर भाई है ये इज दैट क्लियर अब इसको एलईडी में कन्वर्ट क्यों किया गया एक हेलोजन का कंजम्पशन था अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी वॉट्स हंड्रेड <laughs> वॉट्स एलईडी वही काम शायद दस वॉट में कर देगी या हेलोजन का कंजम्पशन था एक हजार वॉट और एलईडी वही काम में कर देगी तो आप एक एलोजन को रिप्लेस करके दस एलईडी लगा सकते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरी धरती पे इलेक्ट्रिसिटी का जो था जो डिमांड थी वो बढ़ गई बट क्या उतना जनरेशन बढ़ पाया नो no. तो गवर्नमेंट ने सोचा साइंटिस्ट ने ने सोचा सब ने सोचा सब कि भाई कोई मीडियम लेना पड़ेगा नहीं तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है डॉन को पकड़ना तो हमने देखा कि भाई इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है तो हम हाइलोजन को रिप्लेस करके क्या ला सकते हैं एलईडी ला सकते हैं ऐसे पहले जो पुराने जमाने में एयर कंडीशनर आते थे उनका कंप्रेसर बहुत ज्यादा करंट लेता था बट अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई जिससे करंट कम था पहले जमाना था कि भाई लोगों को क्लास करनी है तो घर से बाहर निकलना ही निकलना है बट अब घर में बैठ सकते हैं तो ऑल्टरनेटिव यूज होगा क्या नहीं हो गया नहीं हुआ हो गया ना चलिए तीनों को कॉपी कर ले फास्ट चलिए सो so, ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों दैट ह्यूमन वॉन्ट्स ऑन दिस अर्थ आर अनलिमिटेड बट उन्हें satisfy करने के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है बच्चों लिमिटेड ये रेकरिंग होती डिफरेंट प्रायोरिटीज आर आज अगर मैं आपसे बात करूं कि एक आईपीएल चल रहा है और वहां पे आपके सौ करोड़ रुपए लगे हुए हैं बेट पे इज दट क्लियर और आपकी क्लास भी है जो रिपीट भी हो जाएगी रिकॉर्डेड लेक्चर भी रहेगा क्या प्रायोरिटी है आपके लिए आईपीएल पी एल सब सट हो नालायक कहीं के क्या करेंगे चाउमीन वेरी गुड जो लोग चाउमीन का आंसर दे रहे हैं मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के पापा में जरूर भेजूंगा ताकि घर में उनकी सोसाइटी ठीक से हो पाए तो आर अनलिमिटेड बट उनको सैटिस्फाई करने का जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है तो मेरे पास भी समय लिमिटेड है हाँ सर जी लीजिए जिंदगी एकदम खुल के सर अरे खुल के घर का ताला ना खोल दें क्या अरे कहने का मतलब टाइम इज लिमिटेड टू टीच तो मैं किस तरह के बच्चों को पढ़ाऊं जो मेरे को ज्यादा रेवेन्यू दे या कम रेवेन्यू दें वेरी गुड ज्यादा रेवेन्यू दे खोपड़े में बात गई कि नहीं गई सीट्स आर लिमिटेड इन द क्लास बट स्टूडेंट्स आर मोर सर बोली लगवानी चालू कर दीजिए बिडिंग करवा दीजिए सर समझ में आ गया कुछ बच्चे कह रहे हैं हम एसी के सामने बैठेंगे कुछ कह रहे हैं हम पंखे के नीचे बैठेंगे कुछ कह रहे हैं सर हम आगे बैठेंगे कुछ कह रहे हैं सर जहां बैठा दीजिए मैंने तो क्लास के बाहर दीजिए कान में ईयरफोन लगा के सुन लेंगे आपका लेक्चर तो इन दैट केस डिमांड इज इज मोर एंड सप्लाई लेस प्राइस क्या होती है बच्चों बढ़ जाती है वही चीज यहाँ पे भी है तो वॉन्ट जितनी ज्यादा अनलिमिटेड होंगी और रिसोर्स जितना लिमिटेड होगा सेटिस्फाई करने के लिए आपको प्राइस उतना ज्यादा देना पड़ेगा समझ में आ गई बातें चलिए Let's continue further to this. So, ये बातें सबको समझ में आ गई बच्चों, सबको समझ में आ गई। चलिए सो अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमिक्स में इट इज लेबर इट इज लैंड लेबर में थोड़ा सा करेक्शन करूंगा ये जो भाई साहब खड़े हुए हैं स्वर की तरह मुंह निकाल के ये लेबरर है कौन है ये लेबरर labor. और जो इनका हार्डवर्क है दैट इज लेबर दिस इज लैंड आप कैसे यूज कर सकते हैं तो आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है चिल्ड्रन अगर हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है तो हम उसपे स्कूल भी बनवा सकते हैं वी कैन गेट अस्पिटल सेटअप वी कैन डू समार्मिंग क्या करना चाहिए आप बताइए कुछ लोग कहेंगे स्कूल कुछ कहेंगे हॉस्पिटल और कुछ कहेंगे फार्मिंग इफ इन कंट्री पीपल आर डाइंग ड्यू टू स्टार्वेशन तो रिसोर्सेस को कहां पे यूज किया जाए फार्मिंग के लिए कोविड में ज्यादातर लोग निपट रहे थे उनके घर वाले बहुत कुछ अच्छा भूटा मरे जाके दवाई देनी पड़ेगी हॉस्पिटल और अगर अनपढ़ गवार ज्यादा है देश में समझ में आ गया बट मेरी राय में पहले अनपढ़ गवारों को खेती करानी चाहिए जब उनको लगेगा भाई मेहनत का काम है ये काम हो नहीं पाएगा देन दे शुड बी विलिंग टू गो टू Is that clear? कभी -कभी आपने देखा होगा आपके दोस्त होंगे, बच्चे होंगे, से बोलते होंगे, शांत रहिए अब दो बार मम्मी ने बोल दिया वैसे तो, दिखा दे तो पापा कुछ नहीं बोलेंगे बार बार रिपीट नहीं करूंगा तो सो कोल्ड बच्चे ऐसा है जाओ जरा दूध वाले के यहां दूध लेते आओ फिर जाओ जरा सब्जी लेते आओ जाओ अंडा ब्रेड लेते आओ मम्मी से बच्चा जाए तो ट्यूसडे कोई बात नहीं कल खाया जाएगा उसके बाद ऐसा है वो सारे कपड़े धो दो, दो क्योंकि आज कपड़े वाली एबसेंट है उसके बाद बर्तन धो ना मैं चली किट्टी पार्टी में तो आपने मम्मी से सुबह कौन सी किट्टी पार्टी होती है अरे पहले जाएंगे तनिष से शॉपिंग करेंगे शॉपर स्टॉप से शॉपिंग करेंगे नया पहन के जाना है की नहीं तो मैं जा रही किट्टी पार्टी में सब देख लेना फिर वो छोटे भाई बहन स्कूल से आएंगे उनके कपड़े वपड़े बदल के उनको खाना खिला देना रामू काका बना दिए मेरे को तो नरक हो गया स्कूल जाना कल से मैं डेली स्कूल जाऊंगा संडे को भी जाऊंगा मम्मी के संडे क्यों जा रहे हो झाड़ू पोचिंग नौकरी ज्वाइन कर लिया स्कूल में सौ रुपए मिलता है संडे का इज दैट क्लियर और नॉट संडे को तीन घंटा स्कूल में नौकरी की सौ रुपए गए घर जाएंगे तो रामू काका बना दिए जाएंगे ऐसे केस में बच्चा कभी भी अपना स्कूल मिस नहीं करेगा उसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल लगाया क्या लगाया बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल की सेम एफर्ट में रिटर्न है समझ में आ गया तो लैंड कैन बी पुट टू यूज डिपेंडिंग कि हमको किस चीज की जरूरत देश में ज्यादा है समझे बातों को चलिए तो बच्चों टोटल छह तरह की बेसिक प्रॉब्लम होती है।, छे। से तीन को सेंटर बोला जाता है और बाकी तीन बेसिक में आती है सीबीएसई के सिलेबस में सिर्फ तीन है आई के सिलेबस में छो है तो मैं आपको छे पढ़ाऊंगा परेशान बिल्कुल मत बदलेगा यह बात सबको समझ में आ गई चलिए इनको झटपट कॉपी कर लें आप बाकी ज्ञान अगले लेक्चर में देखेंगे